ये किधर गई? अभी तो इधर ही थी ना। नमस्कार, और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो अब अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सवालों को, जो कि हमारा काम है। 16वें पॉइंट पे चलते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। बंदा एक चीज बताओ, जब भी कोई चीज व्लॉग कर रहा होता है या कुछ भी करेगा, तो नॉर्मल वे पे हम और आप कहीं जाएंगे, ठीक है ना, तो एक ही बार तो एक शब्द को बोलेंगे। वो बंदा यहाँ पर दो बार बोल गया। सोना देखो, वो लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, उसने बोला ना, वो फिर दोबारा तुरंत ही एट वन सर्टेन ही तुरंत बोलता वो, लुक एट मी सोना, वो लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। निके लुक एट मी, उन्होंने डराने की बहुत कोशिश की अंदर। साउंड देख, ओके, उन्होंने डराने की बहुत कोशिश की अंदर। ये दो बार क्यों, ये एक सवाल। 16वां पॉइंट, 17th पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, मैंने अलग अलग सारे पॉइंट लिखे हैं, देखो कोई पहले पॉइंट आ जाएगा, कोई बाद में आ जाएगा। तो 17वें पॉइंट पे क्या है मेरा, थोड़ा सा मैंने ये गौर किया, भरत उस लड़की को समझाते हुए एकदम से सीढ़ी का जिक्र क्यों करता जब अंदर लड़की सीढ़ी से चढ़ के आ चुकी है, तुम भी आ चुके हो खिड़की से चढ़ के, तो आगे की तरफ बढ़ो ना आप। यहां पर सीढ़ी का जिक्र करने का मतलब ही क्या बनता था, क्यों? अटेंशन पाने के लिए, आप जनता का अटेंशन चाहते हो यहाँ पर। देखो अभी भी मैं बोलता हूँ सीढ़ी, अगर सीढ़ी, अरे ये किधर गई? और आपने चट से कैमरा भी उधर किया, सीढ़ी दिखा, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं यार इस चीज को समझते हैं, बाकी लोग जितने होंगे किलो भर वो गाली दे देंगे हमको, देव भाई। तो सीढ़ी का अटेंशन माने के लिए जो है ये सब किया गया, भारत के द्वारा करवाया गया। आगे चलते हैं 18वें पॉइंट पे, जब किस करने गए भरत जी कविता जी को, है ना, वो रोमांस के लिए चक्कर में गए उधर दीवार के किनारे, तो उस वक्त ये कैमरे के पास जब कोई भूत, ये भूत नहीं था, ये रियल में कोई इंसान ही था जिसने कैमरा इसे हिलाया है, और सांसें आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, मतलब एक फिजिकल चीज समझ में आ रही कि कैमरा उठा है, और उस कैमरे के नजदीक कोई और भी था आपके अलावा, ये दिख रहा है साहब, समझ में आ रहा है, इतना आप सीन में देख सकते हो। बेवकूफी की हद हो गई बनाने वाले की, ये सब समन में आता है, प्रोडक्शन हाउस जो भी है इस भाई इस मूवी का, मैं नहीं जानता कौन है क्या है, लेकिन है ये, ठीक है ना, ये कुल मिला के खुराफात के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस चीज को समझो कि समझदार लोग हैं बहुत सारे, मेरे अलावा भी बहुत से लोग हैं, आप ही में से बहुत सारे लोग होंगे इस चीज को जो समझ सकते हो, ये कोई बच्चों वाली चीज थोड़ी है जो बताने की कोशिश कर रहे हो, वो अंदर घुस गए उसके बाद कैमरा हिल गया, हाँ उसी के बाद डंडा अंडा सब गिरा दिया, और उसके एक चीज तो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं क्योंकि हमको तो वो भरपूर है, टोटल फेक नजर आ रहा है, क्या कैमरा जब ये किस करने घुसे, कैमरा हिला दो बार और सांस सांस की आवाज आती है, कोई आता है कैमरे के पास, और टपक टपक पैरों की आवाज, क्या है यार, क्या है ये, बेवकूफी का काम है, कुछ भी नहीं, और सब जानते हैं क्या, ये सभी जानते हैं, वो कोई आवाज नहीं थी, वो कोई इस तरह से डिजिटल वॉइस आती क्या भूत की,
वो डिजिटल वॉइस है, डिजिटल डिजिटल है, उसको आप गौर करना, ठीक है ना। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है 19th, यानी कि 19वां पॉइंट। ये थोड़ा सा टाइमिंग पे डिपेंड करता है, 22.6 की टाइमिंग पे गौर करने वाली बात है। आप लोगों को बता दूं, ये लोग रात में आए, अकेले आए, 5 लोग आए, इस हॉन्टेड बिल्डिंग में आए, इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ। तो फिर वहां पे एक ऑटो वाला क्या कर रहा था, एक ऑटो आया है, आप गौर करना। और ये उन लोगों को भाई खुल के बता देना चाहता हूं यार, जहां पर ना समझ में आए, ये मैंने जो टाइमिंग दी है 22.6 की, यहां पर वो हैंड फ्री लगा ले यहां पे, वरना बाद में हमको गाली देंगे, कुछ ही नहीं। 22.6 की टाइमिंग से लेकर के 22.23, 22.3, ठीक है, इस टाइमिंग के दरमियान गौर करना, बहुत अच्छे से गौर करना, यहां पर एक ऑटो वाला बिल्डिंग के बाहर आया, यानी कि इसका मतलब है कि ट्रैफिक चल रहा है, चल रहा है ट्रैफिक ना, आया है, रुका है, भग 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 भग, इंजन जब रुकता है ना ऑटो, तो भग 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 करता है, वो हुआ है, सीधी बात, गौर करो, ठीक है। अजीब है बहुत, अजीब चीज नहीं देखते। 20वां पॉइंट, फिर से ऑटो, अब कहां पे देखो, 28.24 पे फिर से ऑटो है, लीड में ही समझ में आएगा, ऐसे सुनोगे नहीं समझ में आएगा, खुली बात बोल रहा हूं, लीड लगा करके सुनना, हैंड फ्री लगा करके सुनना, ऑटो आई है, कोई गाड़ी आए है ये, ठीक है ना। 28.24 से स्टार्ट है, ऑटो आया है, एंड इट्स एंडिंग टाइम एट 28.32, ओके, गौर करना, जस्ट वॉच इट केयरफुली, देन यू कैन हेयर इट वेरी वेल। उसके बाद 21 पॉइंट पे आते, 21वें पॉइंट पे हमारे 33.30 पर जो कविता जी हैं, जो मैंने गौर किया, मैंने बहुत बार इसको रिवर्स करके इस जगह पर देखा, लेकिन मेरे को थोड़ा समझ के बाहर निकल गया, नहीं समझ में आया। 33.30 पर कविता जी चिल्लाती हैं और कहती हैं, ये तो प्रतीक की आवाज थी, और यार प्रतीक अतीक कोनो कौन किसी चीज की आवाज है नहीं आई वहां पे, किसकी आवाज थी वो? वो प्रतीक की आवाज थी, वो प्रतीक नहीं, वो प्रतीक की आवाज नहीं हो सकती, नहीं वो प्रतीक की आवाज नहीं थी, गौर करो, किसी चीज की आवाज ही नहीं थी वहां पे, और कविता चिल्लाती कि प्रतीक की आवाज है, व्हाट द हेल, टू मच। 22वें पॉइंट पे आते हैं, प्रतीक ने फोन किया, इन्होंने प्रतीक को फोन किया, प्रतीक उधर से जवाब देता है, क्या जवाब देता है, तुम लोग अपनी जान बचाओ, ये तो मैं ऑलरेडी एक पॉइंट पर रख चुका हूं, यही तो बोलता है ना, लेकिन अब यहां 22वां पॉइंट मेरा ये है, जब वो ऐसा कह चुका है तो भाई तुम इसके बावजूद भी डरी नहीं, तुम्हारा एक मित्र जो कि ऑलरेडी भूत की चपेट में आ चुका है, उसके बावजूद भी तुम आगे कैमरा लेकर के जा रही हो भरत के साथ, मैं नहीं समझता हूं इतनी हिमाकत मुझमें, मैं मुझमें तो नहीं, मैं खुल के बोल रहा हूँ भाई, मुझमें नहीं है। प्रतीक का कॉल, हाँ बोल प्रतीक, हाँ मेरा कोई मित्र फंसा हो किसी भूतिया हॉन्टेड बिल्डिंग में, और अगर उससे मेरी बात फोन पे हो, वो खुल के बोले यार मैं फंस गया हूँ, मैं मर रहा हूँ, और तुम अपनी जान बचाओ, भाई मैं भाग ही लूंगा, है ना। और इसके अलावा तो मैं नहीं समझता हूं कि मैं आगे कैमरा लेकर के बढ़ पाऊंगा, और बड़े प्यार मैं, या तो अगर बढ़ूंगा भी तो ये कहते हो बढ़ूंगा ना, अगर मैं निडर हूंगा बिल्कुल, कहां है तू बता, क्या हो रहा है तेरे साथ, ये तो बोलूंगा ना, ये सब बोला नहीं, और ड्रामा चालू है, केवल ड्रामे के और कुछ नहीं है ये, आप लोग सब लोग समझदार हो, बाकी कुछ भी दिखाया गया वीडियो में मुझे नहीं मालूम। आगे बढ़ते हैं 23 पॉइंट पे,
23 पॉइंट के अकॉर्डिंग 33.13 ये जो टाइमिंग है इस पे गौर करना। क्या गौर करना है मैं बताता हूँ आपको। हाँ 33.13 ये जो टाइमिंग है इस पे गौर करने वाली बात ये है, भूत दिखाई देता है, मतलब दिखाया गया है इस बिल्डिंग में, यानी उस कैमरे में, इस टाइमिंग पे उस कैमरे के अकॉर्डिंग भूत दिखाया गया है। और भूत दिखाया गया है उस समय जब वो लड़का यानी कि भरत कविता से समथिंग कुछ आस्किंग कर रहा हो, तो कुछ पूछ रहा होता। सवाल मेरा यहाँ पर ये, पूछना गुना नहीं है कि आप कविता से बात कर रहे हो, उससे कुछ पूछ रहे हो, पूछते पूछते कैमरा आप कविता पे रखोगे कि अपने कान पे रखोगे? आपने कैमरा अपने कान पे रखा है, क्यों रखा है? बिकॉज ऑफ, मतलब आपके पास जो टीम आई हुई है वो मैनेजमेंट कर ले उस तरफ भूत का, अरेंजमेंट कर ले, सॉरी जो भूत का अरेंजमेंट है वो कर ले, और खिड़की पे हमें सुंदर सी एक भूतनी दिखाई दे जाती है, वाह भाई। उसी समय वो अपनी गर्दन पीछे करता है, कैमरा ऐसे रहता है भाई, कविता सामने रहती तो कविता के ऊपर फोन करो, ऐसे कैमरा रखो ना, कविता से पूछताछ कर रहे हो, बातें कर रहे हो, तो कविता के ऊपर कैमरा होगा ना, कैमरा कान में रखे हो। और कान क्या, मैं पूरा इस तरह का राइट हैंड साइड का फेस, ठीक है, इस तरह से कैमरा है, तो मेरा ये इतना कान दिख रहा है। उसके बाद तब तक इधर व्यवस्था हो गई, भूतनी कैसे लानी खिड़की पे, भूतनी आ गई, चेहरा पीछे हटाया, कैमरा ऐसे है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और उस कैमरे में भूतनी कैप्चर हो गई। उसके बाद जब कैप्चर हो गई, काम खत्म, फिर से चेहरा ऐसे आ गया। तो मेरा कहने का मतलब, जब जब भूत दिख रहा तब तब कैमरा भूत है पे क्यों दिख रहा? जो कैमरा ऑन है, यानी कि इंटेंशन क्या है? ये अटेंशन केवल भूत का अटेंशन लिया गया है, जनता का अटेंशन ये दिखाया गया है कि भूत की तरफ देखो, भूत है कहीं ना कहीं, ये घोषित किया जा रहा है इस वीडियो में, भूत है। चलो आगे बढ़ते हैं 24th पॉइंट की तरफ। 36.53 ये एक टाइमिंग है, बनियाइन और तहमत पहन के हथौड़ा लेके एक भूत निकल रहा है दीवार से इस तरफ से उस तरफ, ये कौन सा रहता? अरे पहने ओढ़े जींस टी शर्ट पहना के निकालते यार, बनियान पहनने, ये दिख रहा है, देख लो वीडियो में, मैं दिखाता हूँ हर चीज को, ठीक है, ये स्नैपशॉट देख लो आप। बनियान सेंडो बनियान पहने, ठीक है ना, और हथौड़ा हाथ में, कुछ हथौड़े जैसा समथिंग कुछ वेपन लिए हुए इस तरीके का, और वो एक तरफ से एक तरफ को जा रहा है, और कैमरा फिर से उसकी तरफ है, और इन लोगों को जो है अपना बात कर रहे हैं ये लोग, तो ये मतलब नहीं समझ में आ रहा, भूत को ही केवल कैमरे में कैद किया जा रहा है। कैमरा इस वीडियो में, कैमरे की क्या भूमिका है ये अब तक समझ में नहीं आई कि कैमरा आखिर कर क्या रहा, रिकॉर्ड क्या करने आया कैमरा, ये नहीं समझ में आया है ना। चलते हैं आगे 25th पॉइंट की तरफ। 25th का जो हमारा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं हटा नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। 49.26 इस टाइमिंग पे आप लोग गौर करना, कविता जो कि लड़की है, इसको भूत का बच्चा ऊपर से ऐसे हाथ रख के ऐसे झांकता है आकर के, हैं, और ये देखती है। सवाल हमारा ये, दिखना गुना नहीं है भूत का, सवाल ये, उस समय जब ये बच्चा भूत का निकल रहा था, उसके निकलने से पहले तुम्हारे चोट लगी थी, जब किसी इंसान को किसी बिल्डिंग, हॉन्टेड बिल्डिंग के अंदर चोट लगती, तो उसका पूरा ध्यान उस अपनी चोट के ऊपर जाएगा ना, ऊपर छत पे क्या करेगी देख के, क्यों देख रही है? उसने अचानक से बोला हमको कोई दिखा, यार मतलब सोचने वाली बात है, छीछा लेदर की बात है, वो बच्चा, भूत का बच्चा आ रहा है इसे, अभी आ भी रहा हो वापस भी जा रहा है, अरे आए हो तो हानि पहुंचाओ,
काहे के लिए आए, झांक काहे रहे हो, हमें यही नहीं समझ में आया अब तक। आए हो हानि पहुंचाओ, भाई तुम भूत हो, अब भूत के बच्चा हो तो तुम्हारा तो पूरा खानदान होगा उस बिल्डिंग में, सबको बुलाओ, इनको मारो, मूरो, खत्म करो बवाल, लेकिन आगे देखते जाओ। भरत स्लोली, कुछ काटा, क्या हुआ? सॉरी, क्या हुआ? भरत वहाँ कोई है? कहाँ पे? वहाँ ऊपर, भरत वहाँ कोई है। खैर ये सब ड्रामे, मतलब इसको मेरा ये पॉइंट, ये कहने का मतलब है केवल और केवल फुल स्क्रिप्टेड एंड टोटली फैंटेसी, इट्स ऑल अबाउट फैंटेसी, नथिंग एल्स। ओके आगे बढ़ते हैं, गो एट 26, ये 26वां पॉइंट है। हाँ 26 पॉइंट कुछ विशेष नहीं है, बस यही कहने का मतलब है कि बच्चा दिखने के बावजूद भी इतने, यार हम होते तो भाई डर जाते, हमें कोई ऐसे भूत का बच्चा ऐसे ऐसे आते दिखता हो, ऐसे वापस जाता कि हम डरते नहीं, कोई भी होता भाई डर जाता, वहां से वापस भागता घर की तरफ, बैक टू पवेलियन, है ना, भागता कि नहीं भागता? आप में से कई लोग भाग जाते, हम तो भाग जाते, हम दूसरे की बात नहीं कर रहे, और भूत दिखने के बावजूद भाग नहीं रहे हो, आगे सूट कैमरा लेके मतलब विद्यमान हो, बढ़े चले जा रहे हो, तो ये हजम नहीं हो रहा हमारे, ये बात ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 27 पे, 27 वाले पॉइंट को आखिरी में रखेंगे, 28 की तरफ बढ़ते हैं। एक घंटा एक मिनट 7 सेकंड, ये उस वीडियो की टाइमिंग है, इस पे गौर करो। देखो आज आप लोग को हंसी बहुत आ रही होगी, और इसलिए ना क्योंकि देसी अंदाज में वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल खुल करके, मगन है, छत पे बैठे हैं, हवा आ रही है, मगन होकर के वीडियो बना रहे हैं, कोई रूम में नहीं बैठे हैं, प्रोफेशनली अंदाज में नहीं बना रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि आप लोग कुछ लोग कुछ है ना। हाँ तो एक घंटा एक मिनट 7 सेकंड पे ये जो टाइमिंग है, इस पे मैंने एक चीज गौर की है। अच्छा थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को, वरना आप लोगों में से बहुत से लोग, हमें मालूम है अराजक तत्व हैं, जो कुछ ना कुछ गलत मतलब निकालोगे तो वो भी अपने को ठीक नहीं लगता है। वापस आते हैं, एज वेल एज आई ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, एक घंटा एक मिनट 7 सेकंड पे ये जो भरत जी हैं ये गिर जाते हैं, ठीक है ना। गिरने के बाद ये चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर जो है एक लाश मुझे दिखाई दी। सवाल यहाँ पर ये है, ये जो कविता जी इनके साथ में थी, वो इससे पहले छिपकली से डरने वाली जो कविता थी वो कहाँ पर चली गई, और ये हिम्मत के साथ कहती कि भरत तू परेशान क्यों होता, इट्स मी, ये बोलती है ना, इट्स मी कविता, इट्स मी कविता, तो ये परेशान क्यों होता है तू, और आगे बढ़ते हम लोग और चलते हैं, ये इन लोगों का प्लांट हो सकता है, यानी कि इनके जो तीन दोस्त गए हुए उनके लिए बोलती वो। तो यहाँ पर एक लड़की जा डर नहीं रही है, डरना चाहिए ना लड़की होकर के, मैं हर लड़की की बात नहीं कर रहा भाई, जितनी भी लड़कियां मेरा ये वीडियो देख रही हूँ मैं उनको डरपोक नहीं बोल रहा, ये मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं कविता जी की बात कर रहा हूँ, चूंकि आप लोग ऑलरेडी देख चुकी कि वो छिपकली से डर चुकी हैं, इस वजह से ऐसा बोल रहा हूँ कि जो छिपकली से डर गई वो लड़की लाश दिखने की बात पे आगे बढ़ती चली जा रही है और कैमरा लेकर के शूट करने को तैयार है, बस वो एक क्वेश्चन है, है ना। तो ये है पॉइंट। अरे भरत सुन, क्या हुआ तुझे? भरत अरे इसमें कविता, इसमें कविता, कविता मैं हूँ, क्या हुआ? यहाँ पे लाश थी। लाश क्या? अरे कुछ भी तो नहीं, यहाँ पे अरे नहीं कुछ भी नहीं है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे पॉइंट पे, 29 पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। 29 पॉइंट पे हमारा सवाल ये है कि एक घंटा एक मिनट 7 सेकंड पर, हाँ फिर से वही पॉइंट आता है, थोड़ा सा इसमें एक नई चीज जोड़ देते हैं हम। भरत जी गिरे, किसी ने उनका पैर खींचा और लाश दिखी उनको, उसके बाद मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यार गिरते हो लाश दिखती है, इतने में किसी की भी जो है छीछा लेदर हो जाएगी, किसी की भी, एनीवन, है ना, कोई भी हो बर्बाद हो जाएगा वो, मतलब आप लोगों ने तो बहुत कुछ झेल लिया। हाथ दे मुझे, चल। हाँ कम एक काम करते हैं, यू ओके? कैमरा मुझे दे। हाँ
हाँ ले करो यार का बन जाए तो वो यही पे तू ध्यान रख अपना। गिरे लाश दिखी यार इतने में भी डर नहीं रहो, ऊपर से खड़े हो रहे और कह रहे हो इस बार कविता से कह रहे हो इस बार कैमरा मुझे दो। ये क्या है, केवल नौटंकी है, इसे कोई भी नौटंकी कहेगा ठीक है ना, और कुछ नहीं। मेरी नजर में जो कुछ है मैं वही बोल रहा हूँ आज आप लोगों के सामने इस वीडियो में, नथिंग एल्स, उसके अलावा कोई मतलब मत निकालना, ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे चुका हूं। आगे बढ़ते 30 पॉइंट हमारा जो है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना। टाइमिंग इसकी जो है, पहले मैं टाइमिंग बोल देता हूं यार, 11:21 गौर करना 11:21। अब मैं टाइमिंग नहीं बोलूंगा इसके बाद। इस पे क्या होता है, जो कविता जी होती हैं वो भरत को डंडा मार देती हैं और भरत जी नीचे गिर जाते हैं। गिरने के बाद, अच्छा ऐसा एक देखने वाली बात है, ऐसी जगह गिरते हैं कि कैमरा सीधे कविता की ओर जाए, है ना, ये भी गौर करना। और कहीं भी तो कैमरा जा सकता था दीवारों में, या जो मुंडी रखी थी उसकी तरफ चला जाता, क्योंकि मुंडी कवर हो चुकी थी, अब मुंडी नहीं दिखानी है, मुंडी तो दिखाई नहीं जनता को। और कहीं भी तो कैमरा जाता या कैमरा टूटता, अरे भरत गिरा कैमरा भी तो गिरता और गिर के टूट भी तो सकता था, लेकिन कैमरा बकायदा बेहतरीन चल रहा है और कैमरे का अटेंशन जा रहा है किसकी तरफ, कविता जी की तरफ। कविता जी क्योंकि पूरी दिखाई देनी चाहिए ना, उसके बाद कविता के ड्रामे तो करने चालू हैं ड्रामे। अब वो कविता क्या कर रही है, डंडा अंडा मार रही है अपने आप, मतलब मार हा हा हु हु हे हे, आधा अधूरा भूत और आधा इंसान, इस तरीके की चीज उनके साथ हरकत हो रही है। इतने में गौर करने वाली बात जो है 11:21 पे गौर करना, मैं बता रहा हूं भरत गिर चुका है, मर चुका है, कविता आखिरी बची उन 5 लोगों में, 3 ऑलरेडी मर चुके हैं, केवल कविता बची है केवल उस बिल्डिंग में। 11:21 में गौर करना, एक सेकंड के लिए किसी ने टार्च मारी ऐसे ऐसे, बस इतनी टाइमिंग पे देखना। मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि वो टार्च किसने मारी, अगर भरत मर चुका है तुम केवल अकेले हो कविता, 3 तुम्हारे दो को फांसी हो चुकी है, 1 की गर्दन आधी दिखी है, यानी कि 3 मर चुके हैं, तो ये चौथा आदमी, ये सॉरी छठवां आदमी कौन था उस समय जिसने टार्च मारी, उस सेकंड के दरमियान में देखना। एक छोटी सी टाइमिंग है, गौर जरूर करना आप लोग, और यही एक वैलिड पॉइंट है। उसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं, यह पॉइंट वैलिड है, इस पे गौर जरूर करना। 10 बार बोल रहा हूं, इस वीडियो को बार बार देखना जा करके, इस वीडियो को बार बार देखोगे किसी और का भी भला होगा, है ना, क्योंकि मेरे चैनल पे वीडियो नहीं है, लेकिन ठीक है वो भी अपनी बहन है भाई। हाँ आगे बढ़ते हैं यार, कौन सा पॉइंट था हमारा, 30 था, और अब आते हैं 31 पे, जो कि इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट कुछ नहीं, केवल इतना है, हमको ये नहीं समझ में आता है, सब मर मुर गए, भरत भी मर गए, भरत भी चले गए ठीक है, सब चले गए, केवल बची कविता। ये लास्ट पॉइंट नहीं है, इसके बाद एक और है, मैं भूल गया था, वो हमारे एक छोटे भाई ने हमको एक पॉइंट बताया, कुछ पॉइंट उसके भी 3-4 पॉइंट उसने मुझे बहुत अच्छे बताए, वो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए, मैंने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन ये जो पॉइंट मैं बताऊंगा उसका नाम लेकर के बताऊंगा। एक हमारा छोटा भाई है शिवम, 30 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, 31वां पॉइंट उसका खुद का है, 30 पॉइंट सुनिए आप। 30 पॉइंट मेरा ये है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे डंडा मारने से मर गई, ऐसे 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 करके मर गई, ये क्या है बवाल, ये नहीं खोपड़ी में चढ़ा हमारे, सीधी बात भाई, दे 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 पेलम पे, दे 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 भगा भग, देख ऐसे मारना चाहिए ना, हटा हट भगा भग, इस तरीके से मारता कोई डंडा, मतलब जैसा कि दिखाते हैं टीवी में, मतलब भड़ा भड़, जब जीवन में कोई मारेगा यार तो भड़ा भड़ ऐसे 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 मारेगा ना, ऐसे ना, ऐसे ऐसे मार करके मर गई, ये अंत दिखाया गया इस वीडियो का। और
वीडियो के अंत में बढ़ते हैं, कुछ बातें अपनी तरफ से रखते हैं इस वीडियो में। तो बातें ये हैं, मैं वीडियो ये मेरा खत्म हो चुका है, लेकिन अब मैं कुछ बातें उठाना चाहता हूँ इस वीडियो के बारे में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये घटना गलत या फेक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मतलब ये कतई भी नहीं। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ उस चीज़ को सुनो, मैं दोनों चीज़ों को बताता हूँ आपको। हो सकता है कि ये एक रियल इंसिडेंट हो सकता है मिस्टर अतुल गायतुंडे जो कि वहाँ के इंचार्ज थे इस केस के, वो भी सत्य कह रहा हूँ। मेरा सोचने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो इस वीडियो के माध्यम से जो कैरेक्टर हमको दिखाए गए, आई थिंक कि दे आर स्टिल अलाइव है ना टुडे, वो अब तक जिंदा हैं, यानी कि वो केवल एक एक्टर के तौर पे निभाए गए। या ये भी हो सकता है कि यार वही लोग हों जिनकी फोटो हमें दिखाई गई लास्ट में कि हाँ इन लोगों के साथ घटना हुई और ये लोग कैमरे में कैप्चर हुए हैं। तो अब इस वीडियो का पूरा सारांश बताता हूँ मैं। कथित तौर पे मैंने इस वीडियो के जितने भी पॉइंट बताए वो मेरे अपने निजी विचारधाराएं थी, जो मेरे निजी सवाल थे, जो उपजे मेरे मन में वो थे और कुछ भी नहीं था। मैं कहीं से भी इसको जो है गलत और सही नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर पूरे वीडियो का सार आपको ये बताता हूँ। हो सकता है ये मेरा अपना मानना है लास्ट में भी कि हो सकता है ये एक रियल इंसिडेंट ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ हो, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि ये पांच लोग रियल में यार उस बिल्डिंग में गए हों और कुछ ऐसा ही कहते ना कभी कभी मजाक में रजाक मर गया एक कहावत है, तो ये हो सकता है ये लोग गए हों और गए हों इन लोगों के साथ इस तरीके की गतिविधियां कुछ हुई हों और ना चाहते हुए भी, ये लोग नहीं चाहते थे लेकिन इन लोगों ने हॉन्टेड शूट करने की कोशिश की और इनके साथ रियल में कुछ हॉन्टेड हो गया। ये एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि ये लोग वहां पे गए हों और कुछ ऐसा शूट करने के विचारों से ही गए हों, ऐसा मन में रख के ही गए हों कि ऐसा यार अपने को शूट कर रहा है, लेकिन इनके मन में ऐसा नहीं था कि यार मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन इनके साथ कोई क्राइम हो गया। एक पॉइंट ये भी है, हो सकता है उस बिल्डिंग में कोई इनके साथ क्राइम हुआ आखिरी में। आप सोचो यार, पांच बंदे, पुलिस कह रही उनकी लाशें नहीं मिली और कैमरा छूट गया, कैमरे में सारे कैद हैं, सारी की लाशें दिखाई गई लटके हुए फांसी में, एक की गर्दन भी दिखाई गई, वो भी डब्बे में रखा है, डब्बे में है या कहीं भी है, उसकी गर्दन दिखाई दी। तो उस समय जब कैमरे में लाशें दिख रही हैं और आखिरी में पुलिस बोल रही कि लाशें नहीं मिली, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो पुलिस के आने से पहले और उन लाशों को कैमरे में दिखाने के बीच का जो समय अंतराल था, उस पल में कौन आया था जिसने लाशें गायब कर दी? सवाल ये है, सोचने वाली बात है ना कि लाशें गायब क्यों की गई और किसने की, किसके द्वारा की गई। पुलिस जब पहुंची तो उनको भी तो वो फांसी में लटके मिले होने चाहिए थे, जब कैमरे में जो चीज रिकॉर्ड हो रही है तो पुलिस को मिलनी चाहिए वो चीज। पुलिस को एविडेंस के तौर पे केवल लास्ट में कैमरा मिलता है, ये हमारी खोपड़ी से बाहर जा रही बात, ठीक है। मैं तो केवल इतना कह सकता हूं इस वीडियो के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, केवल दो चीज बोलूंगा। कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि ये रियल वीडियो है, रियल फुटेजेस हैं, उनका भी सम्मान रखता हूं भाई, और कुछ लोग जो कह रहे हैं कि ये बनावटी है, फंटेसी है, समथिंग एल्स, उनका भी सम्मान रखते हुए दो बातें बोलता हूं, इधर वालों के लिए भी, इधर वालों के लिए भी। इधर वालों के लिए ये है जो कि कहते हैं कि यार ये रियल है, रियल फुटेजेस है, तो हाँ भाई मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं कि ये रियल इंसिडेंट हो सकता है, तो उसको मैं सिर्फ एक क्राइम बोल सकता हूं, भूतिया हरकत नहीं बोल सकता, क्योंकि जो जिस तरह से वो बच्चा आया है भूत में, बच्चे का भूत दिखाया गया है, वो बनावटी बच्चा है। जिस तरह से वो खिड़की पे औरत खड़ी है श्रृंगार किए हुए, भूत बना करके, चुड़ैल बना करके, बनावटी भूत है, ठीक है ना, समझते जाना, बल्ब जले हैं किचन में, ये सब बनावटी दिख रहा है उसमें। इधर वालों के लिए जो बनावटी जो इस चीज को जो है रियल नहीं मानते हैं, फेक मानते हैं, तो उनके लिए तो खुला स्वागत कर दिया पूरे, इनसे ज्यादा वो बातें क्या रखें भाई। प्रोडक्शन हाउस के ऊपर थोड़ा सा सवाल मैं उठाना चाहूंगा, और ये जो मिस्टर अतुल गायतुंडे जी हैं जो हमारे पुलिस इंचार्ज हैं, उनसे भी हमारे थोड़े से प्रश्न हैं,
कि मिस्टर गाय तुंडे जी, अगर आप रियल में वाकई में इंचार्ज हैं, या मैं इस प्रोडक्शन हाउस से जिनके माध्यम से ये शूट देखा मैंने, अगर ये वाकई में एक रियल फिल्म है, रियल फुटेजेस हैं, इसमें आपने मिस्टर अतुल गाय तुंडे जी को दिखाया है, मैं पूछना चाहूँगा उनसे, मेरे सवाल हैं पर्सनल, मैं खुद खुल करके पूछना चाहूँगा कि सर ऐसा क्या है महोदय कि आपने इस चीज़ को पब्लिश करने का जो है निर्देश दिया, और अगर पब्लिश करने का निर्देश दिया तो केवल और केवल एक प्रोडक्शन हाउस के थ्रू ही क्यों दिया, आपने किसी मीडिया या किसी पत्रकारों किसी भी जरिए से सिवाय प्रोडक्शन हाउस के अलावा आपने किसी भी माध्यम से इस चीज को जो है जनता को अवगत क्यों नहीं कराना उचित समझा, बस ये अपना सवाल है। अगर मिस्टर अतुल गाय तुंडे जी इस वीडियो में आए हैं, या एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि ये जो प्रोडक्शन हाउस है, कौन सा प्रोडक्शन हाउस है मैं बता देता हूँ, मोशन पिक्चर है ऐसा कुछ है, ऐसा मूविंग पिक्चर, तो उनसे मेरा सवाल है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है अतुल गाय तुंडे जी की आप लोगों ने इस विषय में बाइट ली हो। हाँ, एक ये हो सकता है कि वहां पर रियल में कुछ 5 लोग गए हो, कभी अतुल गाय तुंडे जी ने उसका इंस्पेक्शन किया हो और वो लोग मिस भी रहे हो, बहुत सारे केसेस ऑलरेडी आपने बताए, क्योंकि तो उसकी बाइट आपने उठा करके अपने कहीं तो अपने इस वीडियो में तो नहीं इस्तेमाल कर ली। तो बस ये एक वीडियो था, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाया हुआ ये वीडियो कंटेंट कैसा लगा, जिसको गाली देने का मन हो खुल के दे, जिसको जो प्रेम करते हैं मोहब्बत करते हैं उनके लिए स्वागत है, और हमारी तो प्रेम की भाषा है भाई, गाली देने वालों का भी स्वागत है और प्रेम करने वालों का तो ऑलरेडी करते हैं भाई। सो होप टू सी यू अगेन, सो लॉन्ग विद एन अदर कंटेंट, नंदन वाजपेयी, लव यू ऑल।